आपका फिर एक बार आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला और उसके ईश्वरीय आदेश के इस 23वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड्स को आपने बड़ा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हौसला अफजाई के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनकरेजमेंट। आज हम बात करेंगे निर्णय की क्षमता, प्राकृतिक गुण जो मनुष्य को भगवान ने दिया है, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। तो साथियों, मनुष्य को परमात्मा ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया है वह है निर्णय शक्ति और संकल्प शक्ति। वही मनुष्य सुखी है जो इसका दुरुपयोग, मिसयूज नहीं करता है। पहाड़ से नीचे गिरने वाले झरनों का प्रवाह अपने में गिरने वाली प्रत्येक वस्तु को बर्बाद कर देता है। झरने में यदि कोई भी चीज जाएगी तो वो बर्बाद कर देता है, गिराएगा उसको, टूट जाएगी। उसी प्रकार लोकमत उस मनुष्य को, मनुष्य के तर्क को घबराहट में डाल देता है। लोकमत यानी जो पब्लिक ओपिनियन, जो यह देखे बिना उसके आगे सिर झुका देता है कि इस बात की जड़ क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी, हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री, एक चुटकुला सुनाते थे जो ग्वालियर में मैंने सुना था राजवाड़े पर उनके भाषण के दौरान, कि एक आदमी बाजार में गया, बोला चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। लोगों में हड़कंप मच गया, क्या चल गया? किसी ने कह दिया गोली चल गई। अरे चल गई चल गई चल गई, लोग बेतहाशा भागने लगे। थोड़ी देर में बाजार खाली हो गया। इतने में एक आदमी आया, बोले भाई साहब क्या बात है, क्या चल गया क्या? अरे दादा मेरी खोटी चवन्नी आज चल गई, ठेले पे से सामान लिया, मेरी खोटी चवन्नी चल गई, और लोग डर के भाग रहे थे कि गोली चल गई। तो देखिए, किसी निर्णय को लेने से पहले उसके मूल में जाओ कि मूल बात है क्या। आखिर इस बात पर ध्यान रखो कि जिसे तू सत्य समझकर ग्रहण करता है वह कहीं सत्य का आभास तो नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु को तू निश्चयात्मक समझता है वह अक्सर धोखे की बात होती है। इसलिए दृढ़ता धारण कर, स्थिर चित्त हो और अपना निश्चय खुद कर, जिससे तुझे स्वयं अपनी ही दुर्बलता का उत्तर देना पड़े। और ये मत बोल कि परिणाम से कार्य का औचित्य सिद्ध होता है। याद रख, मनुष्य देव योग की पहुंच के परे नहीं है। किसी का निर्णय यदि तेरे निर्णय से न मिलता हो, इसके लिए उसकी निंदा मत कर। क्या दोनों के निर्णय में गलती नहीं हो सकती? जब तू किसी भी मनुष्य को उसकी उपलब्धियों के कारण आदर की दृष्टि से देखता है और किसी अपरिचित युवक का, अपरिचित मनुष्य का तिरस्कार इसलिए करता है कि वह उससे अलग है, कि वह उपाधियों से वंचित है, यानी अपरिचित का तिरस्कार तुम इसलिए करते हो कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां नहीं है, तो क्या इस दशा में तू ऊंट का अनुमान उसकी नकेल से नहीं करता है? कि नकेल अच्छी है तो ऊंट भी अच्छा होगा ना। जब तू अपने शत्रु का वध करता है तब यह मत समझ कि तूने उससे बदला लिया है, क्योंकि तू तो उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां तेरी भी पहुंच नहीं हो सकती। तू तो उसे शांति दिला देता है और उसे दुख देने के लिए जो साधन तेरे पास थे वे ज्यों के त्यों रखे रह जाते। क्या तेरी माता व्यभिचारिणी थी? और क्या तुझे यह बात सुनकर दुख होता है? क्या तेरे हृदय की रानी तेरी पत्नी चंचल है? और क्या उसकी निंदा सुनकर तुझे दुख होता है, व्यथा होती है? पर इसके कारण जो लोग तुझसे घृणा करते हैं वे मानो स्वयं अपना ही तिरस्कार करते हैं। क्या दूसरों के दुराचारों के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है, तू जवाबदेह? नहीं। किसी रत्न की केवल इसलिए अवहेलना मत करो कि वो तेरे पास में है, और ना किसी वस्तु को इसलिए विशेष मूल्यवान समझो कि वो दूसरे की है।
अरे वस्तु का मूल्य तो सुयोग्य मनुष्य के पास रहने से वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि तेरी धर्म पत्नी तेरी वशवर्तिनी है, तू उसका आदर कम मत कर। और ऐसे व्यक्ति से दूर रह जो ये कहता है कि तू कम प्रेम करना चाहता हो तो इससे शादी कर। भला बता तो वह कौन सी वस्तु है जिसके कारण उसने अपना हृदय तुझे अर्पण किया है? केवल तेरे सद्गुणों के प्रति उसका विश्वास तो क्या? तुझे इसलिए उससे कम प्रेम करना चाहिए कि तू उसका अधिक कृतज्ञ है? यदि तूने उचित रूप में उसका प्रेम संपादन किया हो तो जब तक वह तेरे पास है तब तक तू भले उसकी उपेक्षा करे, पर उसका वियोग तेरी आत्मा को व्यथित किए बिना नहीं रह सकता, नहीं रहेगा। यदि कोई मनुष्य किसी को केवल इसलिए भाग्यवान समझता है कि उसे ऐसी पत्नी प्राप्त है, तो चाहे वह तुझसे अधिक समझदार न हो परंतु कम से कम अधिक सुखी अवश्य है। अपने मित्र की हानि का अंदाजा उसके आंसुओं से मत लगा, क्योंकि आंतरिक जो विषाद वो बाहरी चिन्हों के द्वार पर प्रकट नहीं हो सकता। यदि कोई काम बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ किया जाए तो उसको महत्व की दृष्टि से मत देख, क्योंकि ऊंची आत्मा वह है जो कार्य तो बड़े से बड़ा करती है परंतु उसे करते समय दिखावे की मोहताज नहीं होती और दिखावे के मोह में नहीं फंसती। कीर्ति से उसके कान को कुतूहल होता है जो उसे सुनता है, परंतु शांति तो स्वयं उसी मनुष्य के हृदय को आह्लादित करती है जिसमें उसका निवास होता है। दूसरों के सत्कारियों पर बुरे भावों का आरोप मत लगा, क्योंकि तू उसके हृदय को नहीं परख सकता। पर हां, ऐसा करने से संसार ये जान जाएगा कि तेरा हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ है। धूर्त होना मूर्ख होने की अपेक्षा बुरा नहीं है, परंतु ईमानदार बनना उतना ही आसान है जितना कि ईमानदार दिखाई देना। हानि का बदला लेने की अपेक्षा तू नेकी का उपकार मानने के लिए अधिक तैयार रहे, इससे तुझे हानि की अपेक्षा लाभ ही अधिक होगा। घृणा की अपेक्षा प्रेम करने से अधिक तत्पर रहे, इससे लोग घृणा की अपेक्षा तुझसे अधिक प्रेम करेंगे। स्तुति करने की उत्सुकता रख, पर निंदा करने में आतुर मत हो, किसी की बुराई में आतुर मत हो, इससे तेरे सद्गुणों की प्रशंसा होगी और तेरे शत्रुओं की आंखें तेरी त्रुटियों को नहीं देख सकेंगी। जब तू अच्छा काम करे तो इसलिए कर कि वो अच्छा है, इसलिए नहीं कि लोग उसे पसंद करते हैं, और जब तू बुरी बात से बचे तो इसलिए बच कि वह बुरी है, और इसलिए नहीं कि लोग उसे बुरा कहते हैं। ईमानदारी के प्रेम के कारण ईमानदार बन, जिससे तू भीतर बाहर सब कहीं ईमानदार हो जाए। जो बिना उसूल के ईमानदार बनता है वो कहीं का नहीं रहता। नादान से प्रशंसा पाने की अपेक्षा समझदार आदमी की निंदा सुनने की इच्छा रखो। समझदार आदमी तुझे तेरे दोष और त्रुटियां इसी ख्याल से दिखाता है कि तू उन्हें दूर करके सुधार करे, पर जब नादान आदमी तेरी तारीफ करता है तब वह तुझे अपने ही जैसा समझता है। जिस पद के योग्य तू न हो उसे स्वीकार मत कर, क्योंकि ऐसा करने से जो आदमी उसके योग्य होगा उसकी नजर में तू गिर जाएगा। जिस बात को तू न जानता हो उसके विषय में दूसरे को उपदेश मत दे, ज्ञान मत बांटो, क्योंकि जब वह इस बात को जानेगा तो तेरा उपहास करेगा, हंसी उड़ाएगा, आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। जिसने तुझे हानि पहुंचाई है उससे मित्रता की आशा मत कर, क्योंकि जिस आदमी के साथ अन्याय किया गया हो वह भले एक बार माफ कर दे, पर जिसने तेरे साथ अन्याय किया है वह कभी तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। जिसे तू अपना मित्र बनाना चाहता हो उसे अपने उपकारों में मत बांधना। याद रख, उन उपकारों की स्मृति ही तुझे उसे तेरे से दूर कर देगी। थोड़ा उपकार तो मित्र बनाने में सहायक होता है, पर अत्यधिक उपकार से शत्रुता पैदा होती है। ज्यादा मीठा डायबिटिक होता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, अति सर्वत्र वर्जते।
आपने देखा होगा हाईवे पे जो दो ट्रक जाते हैं तो उन्होंने उनमें एक निश्चित दूरी होती है कि आगे वाला यदि ब्रेक मार दे तो मैं टकरा न जाऊं। इसी यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। फिर भी अकृतज्ञता मनुष्य के लिए स्वाभाविक नहीं है और न उसका कोप ऐसा है जो शांत न हो सके। जिस उपकार से वह उऋण नहीं हो सकता उसकी याद दिलाने से उसके चित्त को बुरा लगता है, अनुताप होता है और उस मनुष्य का सामना होने पर जिसे उसने हानि पहुंचाई है वह लज्जित हो जाता है। न तो किसी अपरिचित जन के लाभ पर खेद कर और न अपने शत्रु की विपत्ति पर हर्ष। क्या तू ये चाहता है कि दूसरे लोग भी मौका पड़ने पर तेरे साथ ऐसा ही करें? क्या तू चाहता है कि मनुष्य मात्र तेरा कल्याण चिंतन करे? तो तू अपनी उपकारशीलता को मनुष्य मात्र तक फैला दे। यदि तू इस प्रकार उसके सद्भाव को प्राप्त नहीं कर सकता तो इसका दूसरा कोई साधन नहीं है। और यदि ऐसा प्रयत्न करते हुए तू उसे न पा सका, डोंट वरी, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि तुझे उसका अधिकारी होने का तो सौभाग्य प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए विपत्ति के समय ईश्वर के इस प्रकार के आदेशों को धारण करें, जीवन आपका सफल होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने होंगे आपके साथ एक नई बात लेकर। तब तक के लिए वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।